हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग डबली लिंक्ड लिस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने सिंगल लिंक्ड लिस्ट से रिलेटेड सारी बातों को स्टडी किया था। आज हम लोग डबली लिंक्ड लिस्ट के बारे में स्टडी करने जाएंगे। तो जैसा कि हमने लिखा है कि अ लिंक्ड लिस्ट इन विच ईच नोड कंटेन्स वन इंफॉर्मेशन पार्ट एंड टू एड्रेस पार्ट इज कॉल्ड डबली लिंक्ड लिस्ट। इसका मतलब है कि जो हमारा नोड होगा वो तीन पार्ट होंगे उसमें, जिसमें दो पार्ट एड्रेस के लिए होंगे, एक प्रीव जो पहले के एड्रेस को लेकर चलेगा और एक जो है वो नेक्स्ट नोड के एड्रेस को लेकर चलेगा, और बीच में हम लोग इंफॉर्मेशन यानी इन्फो पार्ट को लेकर के चलेंगे। तो दो पार्ट जो है बेसिकली वो एड्रेस के लिए है और एक पार्ट जो आपका वो इन्फो पार्ट का, ये आपका नोड। तो ये रहा आपका डबली लिंक्ड लिस्ट। अगर इस नोड को लेकर के क्रिएट करते हैं हम लोग अगर कोई लिंक लिस्ट, तो वो लिंक लिस्ट आपका डब्ल्यू लिंक लिस्ट कहलाएगा। यानी फॉर एग्जांपल देखिए, सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पर ये स्टार्ट और इसके अंदर हमने आपको एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर असाइन किया है, यानी डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनाने जा रहे हैं। सपोज कीजिए इसका इस नोड का लोकेशन अगर होगा 6672, तो इसके प्रीवियस में कोई नोड नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर नल असाइन होगा, और 662 ये पहला नोड है, इसलिए स्टार्ट में इस नोड के एड्रेस को असाइन कर दिए ताकि ये इसे लिंक हो। अब इसके नेक्स्ट में सपोज कीजिए कि ये 7272 लोकेशन पर है, तो इस नेक्स्ट में 7272 के लोकेशन पर वो स्टोर होगा, यानी ये इसमें ये इंफॉर्मेशन स्टोर होगा, यानी इस एड्रेस को ये एड्रेस को कंटेन करेगा। अब यानी ये इससे लिंक हो गया। अब इसके प्रिव में, इस नोड के प्रिव में क्या होगा, तो ये पहले वाले के यानी 6672 इससे बैकवर्ड डायरेक्शन में भी डाले जा सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन पार्ट है उसमें इंफॉर्मेशन रखेंगे, और जो आपका नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट में क्या हुआ, 8484 मान लीजिए ये है एड्रेस, तो 8484 पर जो नोड क्रिएट है उसके एड्रेस को ये साइन करेगा, तो ये इससे लिंक हो गया। अब ये रखा 7272, तो ये बैकवर्ड इससे भी लिंक हो गया। अब ये मान लीजिए आपका 9294 पर है, तो ये हुआ 9294, तो ये इससे लिंक हो गया, और इसके प्रीवियस में 8484 रखे, और लास्ट में हम लोग क्या लिए, नल। तो ये आपका डबली लिंक्ड लिस्ट क्रिएट हो गया। यानी डबली लिंक्ड लिस्ट में नोड हैव अ थ्री पार्ट्स बेसिकली। कौन कौन सा, दो एड्रेस के लिए और एक इंफॉर्मेशन के लिए, एक एड्रेस प्रीवियस नोड का और एक जो है वो नेक्स्ट का। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो डबली लिंक्ड लिस्ट है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में हम लोग इसको ट्रैवर्स कर सकते हैं, यानी आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी आना चाहेंगे तो पीछे भी आ सकते हैं। दूसरा और इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो डबली लिंक लिस्ट और सिंगली लिंक लिस्ट में जो मेन डिफरेंसेस यही थे कि पहला उसमें एक ही पार्ट था एड्रेस का और वो नेक्स्ट नेक्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करता था, लेकिन यहाँ पर आपके दो एड्रेस पार्ट है, एक प्रीवियस वाले को और दूसरा नेक्स्ट वाले को लेकर चलेगा। तो प्रीवियस और नेक्स्ट को जो लेकर के चलेगा, तो इससे आपका ये होगा कि आप बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जो है वो ट्रैवर्स कर सकते हैं। सपोज करिए कि आप विजिट करते करते यहाँ पहुंच गए, आप चाहते हैं कि आप फिर पीछे आए तो वो आप पीछे भी आराम से आ सकते हैं, क्योंकि इसके पास जो एड्रेस है उससे आप यहाँ पर आइएगा, फिर इसमें जो एड्रेस देखिएगा उससे यहाँ पर आइएगा, तो इस तरह से आप जो है वो पीछे भी आ सकते हैं, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में काम होगा। ऐसे लिंक लिस्ट को हम लोग बोलते हैं डबली लिंक लिस्ट। यानी इसके जो नोड है, इसके नोड में तीन पार्ट, दो पार्ट एड्रेस के लिए, एक प्रीवियस नोड का और दूसरा जो है वो नेक्स्ट नोड के एड्रेस के लिए। तो ये रहा आपका डबली लिंक लिस्ट, तो ये बना आपका। और इसके इंफॉर्मेशन पार्ट में जो आप इंफॉर्मेशन डालना चाहते हैं, अभी मान लीजिए हम लोग इंटीजर टाइप इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, इंटीजर टाइप कैरेक्टर जो आपको डालना हो वो डालिएगा, तो ये बना आपका डबली लिंक लिस्ट। तो ये रहा आपका डबली लिंक लिस्ट, और इसी से रिलेटेड सारी बातें हमने कर दी। इसीलिए हमने स्टार्ट में लिखा अ लिंक लिस्ट इन विच ईच नोड कंटेन्स वन इंफॉर्मेशन पार्ट एंड टू एड्रेस पार्ट इज कॉल्ड डबली लिंक लिस्ट। दैट मींस ईच नोड होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस एंड द नेक्स्ट नोड, नोड एड्रेस एंड द इंफॉर्मेशन, इट सपोर्ट्स बोथ डायरेक्शन ट्रैवर्सल, दैट मींस बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो
सिंगली लिंक्ड लिस्ट और डबल लिंक्ड लिस्ट में जो आपका मेन डिफरेंस यही है कि सिंगली लिंक्ड लिस्ट में एक एड्रेस पार्ट, यहाँ पर आपके दो एड्रेस पार्ट होंगे। सिंगली लिंक्ड लिस्ट में हम लोग सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रावर्स कर सकते हैं, लेकिन डबल लिंक्ड लिस्ट में हमारे पास क्या, हम बैकवर्ड डायरेक्शन में भी ट्रावर्स कर सकते हैं। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात थी दोनों में, जो स्लाइड डिफरेंसेस, जो हल्के डिफरेंसेस थे उस डिफरेंसेस को हमने बताया। अब आगे इस डब्ल्यू लिंक लिस्ट को कैसे क्रिएट करेंगे उससे रिलेटेड हम लोग प्रोग्राम को देखेंगे, और इसमें साथ में साथ जितने भी ऑपरेशन डब्ल्यू लिंक लिस्ट पर हम लोग करेंगे, इंसर्शन का, डिलीशन का, इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशन है, उन सारे ऑपरेशन को हम लोग परफॉर्म करके भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आपका जो एक नोड यहाँ पर हमने क्रिएट किया, ये नोड दैट इज कॉल्ड नोड, ये आपका नोड हुआ जो कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट के लिए है, और ये आपका दो पार्ट, एक आपका नेक्स्ट और आपका प्रिव, दो एड्रेस पार्ट और एक इंफॉर्मेशन पार्ट। तो दैट इज डब्ल्यू लिंक लिस्ट। और एक बात और इसमें ध्यान रखिएगा कि जो पहला नोड होगा उसके प्रिव में नल होगा, और जो लास्ट वाला होगा उसके नेक्स्ट वाले में नल होगा, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट में कोई आपको नोड नहीं है, और प्रीव यानी पहले वाले इन नोड के पहले कोई नोड नहीं होता, तो इसलिए इसके प्रीव पार्ट में आपका नल असाइन किया जाएगा। तो ये रहा आपका डब्ल्यू लिंक लिस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको क्रिएट करने के लिए जो प्रोग्राम्स है उस प्रोग्राम्स को हम लोग देखेंगे। तो आपका इससे पहले जो इस नोड का जो स्ट्रक्चर होगा उस नोड के स्ट्रक्चर की हम लोग बात करेंगे, और उसको हम लोग इसमें धीरे धीरे करके डिफाइन करते जाएंगे, और सब आपको पूरा प्रोग्राम के फॉर्मेट में हम आपको बताएंगे इस डब्ल्यू लिंक लिस्ट का सी लैंग्वेज में कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। थैंक यू।